कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो बेसिकली आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। यार काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, तो अभी हम बिना समय गवाए, बिना कुछ आपको बताए, एक सस्पेंस क्रिएट करके हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। क्योंकि बेसिकली अभी जो हम जा रहे हैं वो हम जा रहे स्कूटी से, तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि धनबाद से बोकारो लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम निकलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। यार एक चीज़ और बतानी थी, हमारे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 300 सब्सक्राइबर की फैमिली हमने बना ली है। थैंक यू सो मच यार आपके सपोर्ट के लिए, काफ़ी प्यार दिया है आप लोगों ने। और अभी जो हमारी वीडियो आई शिरडी ब्लॉग के नाम से, उसको भी आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट। तो गाइज अभी हम लोग निकल गए हैं और ये हमारी गैलरी है और ये हमारी फैमिली स्कूटी है। स्कूटी चलाएंगी महारानी साहिबा, बैग यहाँ रखा गया है, कमर कस लिया जा रहा है, सही से चलाना, गिरा मत देना हमें, आधा चलाने, चलो देखते हैं। अभी हम हैं ओवर ब्रिज पर और ये ओवर ब्रिज ऐसा है जो कि धनबाद से बोकारो को कनेक्ट करता है। और अभी हमारे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो शीतल मना कर रही थी बताने से, घबरा भी रही थी। कोई बात नहीं, शीतल होता है, थोड़ा बहुत होते रहता है, उसके बाद बोलती है ये वीडियो नहीं बनाएगी। यार ऐसा होता है क्या कहीं, पता थोड़ी थोड़ी चीज़ उनसे डरना नहीं चाहिए ना। चलो हम अब सारे डर को ख़त्म करते हुए आगे मूव करते हैं। ओके वाहन धीरे चलाएं। क्या लिखा है? दुर्घटना से देर करें। हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी जाते हैं। नहीं, हम बराबर जा रहे हैं। और ये हम रीच कर गए बोकारो। वेलकम टू बोकारो। और हम अभी जगन्नाथ टेंपल पहुंच गए बोकारो। अभी हम लोग रीच कर चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, बोकारो के जगन्नाथ मंदिर में। गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं जगन्नाथ मंदिर, मेरे पीछे है, देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत दृश्य है यार। इतना प्यारा सा पार्क है और सामने प्यारा सा मंदिर। शीतल इधर खड़ी है। शीतल अच्छा लग रहा है, क्लीन है। Thank you.
दोनों एक से लग रहे एक समान। जगन्नाथ सरोवर का उद्घाटन हुआ था 24/10/2003 में। सरोवर ये है, बस कहीं भी बैठ जाती है फोटो खिंचवाने के लिए। देख, फोटो क्लिक करवाना है, पर फोटो 50 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मनमोहक दृश्य है यार, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। शीतल देखो पानी कैसा है। यहां से आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर को, और जस्ट उसके बगल में है जगन्नाथ सरोवर। यहाँ छठ पूजा भी होता है के लिए काफी अच्छी जगह है भाई। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। मंदिर से जस्ट लगे हुए पे है जू, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। आवश्यक सूचना पढ़ लीजिए भैया, कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। अरे भाई रुको, मेरे लिए भी इतना स्पीड क्यों चल रही है इतना जल्दी, तुम भी तो हो एक। तो गाइज हम आ गए हैं पार्क के अंदर, और सामने खड़े हैं नेहरू जी, और साथ में चल रही है शीतल। चलो ये कर दो। ये है मैप, दिशा निर्देश, आप यहाँ हैं। कहाँ हैं भाई हम? कहाँ शीतल? सीधा जाना। वाह, एक बार बता देती। और ये जिराफ देखो, गाइज ये है पिंजड़ा जिसमें बड़े बड़े जानवरों को पकड़ के लाया जाता है यहाँ पर, और जू में रखा जाता है। बताओ यार, हम एक सोने का पिंजड़ा बना रहे हैं, जेल बना रहे हैं, और लोगों के एंटरटेनमेंट की जगह बना रहे हैं। बताइए, जानवरों को कैद करके हम 10 मिनट भी इसमें नहीं रह सकते। भालू को देखने जा रही है लेडी भालू। बहुत अच्छा, कभी कभी डैडी नहीं बोल रहा हूँ मैं तुझे, बोल नहीं बोलता तो भालू को ही तो डैडी बोलते ना भाई। बंदर बंदर बताओ इसमें से बंदर कौन है, तुम या वो? और फिर हम पहुंचे लापिनोज पिज्जा, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट मिली। कर रही हूँ गुस्से में है, हमेशा गुस्से में। बेसिकली हम सजेशन ले रहे हैं
ही बड़ा दिख रहा था ऐसे। अकेले खा ले। अभी हमारा दिन पूरा कंप्लीट हो गया है और हम अभी घर की तरफ जाएंगे। और क्या है कि काफ़ी टाइम लगता है घर जाने में, लगभग एक घंटे लग जाते हैं यार। और हमने काफ़ी इन्जॉय किया आज, जगन्नाथ मंदिर देखा, काफ़ी खूबसूरत दृश्य था। उसके बाद जगन्नाथ सरोवर भी देखा, वो भी काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी सुकून मिला हमें यार। क्या शीतल, मज़ा आया ना? बहुत सुकून मिला यार, बहुत अच्छा लगा। और आपने भी देखा यार, क्या प्यारा मतलब नज़ारा था, है ना? तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए यार, ठीक है? थैंक यू सो मच। फाइनली अब हम धनबाद के लिए निकलेंगे भाई, हमारी दोनों खड़ी है बेचारी यहाँ पे अकेले।